जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों अगर आप भी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको भी सप्लीमेंट्री आई है तो किस प्रकार से जो है एडमिट कार्ड निकालना है, कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट वगैरह आ रहे थे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है अपने मोबाइल से, तो मोबाइल से डाउनलोड करके मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि राधाशंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा से रिलेटेड सभी जानकारी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड आ गया, किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है आगे इस वीडियो पर बात करेंगे। और परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हुए हैं, वो भी निर्देश देखने वाले हैं कि क्या निर्देश आपको जो है परीक्षा में बैठने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी अपलोड करते हैं, आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। वहीं काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते और बाद पर आते हैं और उन्हें सूचना नहीं मिल पाती, या तो परीक्षा से चूक जाते हैं या कोई भी जानकारी हो उन्हें समय पर नहीं मिल जाती और डेट निकल जाती है। तो उस जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आपका ही फायदा होगा। और साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल स्टडी पॉइंट, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर जो है आपको सभी स्टूडेंट मिल जाएंगे, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर, मोबाइल स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा है तो लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है अगर आपको फिर भी निकालने में एडमिट कार्ड में परेशानी जा रही है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको जो है अपना ओपन कर लेना है गूगल। ओपन करने के लिए एडमिट कार्ड निकालना है तो CUC एडमिट कार्ड लिखकर सर्च कर देना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं CUC एडमिट कार्ड, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इतना लिखकर सर्च करने के बाद नीचे की ओर आपको जाना है और फर्स्ट साइट पर ही आपको क्लिक कर देना है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड रिपोर्ट MP ऑनलाइन, इसी पर आपको जो है क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर भरना है आपको, नीचे डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सेशन आपको भरना है और सेमेस्टर आपको भरना है। और इनरोलमेंट नंबर आपको वही भरना है जो आपने सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री में जो दिया था वही, मतलब इनरोलमेंट नंबर तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर मैंने कॉपी कर रखा है तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल लिया कॉपी करके, अब यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, आपको भी अपना डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है, अब यहाँ पर सेलेक्ट सेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप जाएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा क्या, सेमेस्टर या ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर तो ईयरली होता है, ठीक है, तो थर्ड ईयर यहाँ पर हम डाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। जैसे ही थर्ड ईयर डालेंगे उसके बाद एडमिट कार्ड आपको देखना है तो ये सर्च वाला बटन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ संपूर्ण जानकारी भर लिया, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सेशन और सेमेस्टर। इतना करने के बाद आपको ये सर्च वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड यहाँ पर निकल गया है, ठीक है, राधाशंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा MP एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पर जानकारी वगैरह दी है, ठीक है। तो जानकारी यहाँ पर थोड़ा सा हाइड करते हुए मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख रहा हूँ कि वहाँ पर एड्रेस वगैरह शो नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं एडमिट कार्ड पूरा डाउनलोड हो गया है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या, आपको जो भी पेपर देना है वाला पेपर का नाम यहाँ पर लेकर आएगा, कोड वगैरह। तो यहाँ पर इनको फाउंडेशन कोर्स में आइए सप्लीमेंट्री तीनों पेपर इनको देना पड़ेगा। यदि आपको केमिस्ट्री में आइए तो केमिस्ट्री की तीनों पेपर देना पड़ेगा, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आइए और उसके जितने पेपर होते हैं वो सभी पेपर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाउंडेशन पर आइए तो इसके तीनों पेपर यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए हुए हैं जो आप क्या कहते हैं डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं, ठीक है। OMR सीट वगैरह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि आप थर्ड ईयर में भरा ही है और आपको जो भी है पता ही है यहाँ पे, तो आपको सभी जानकारियाँ लगभग में पता ही होंगी कि आपको क्या क्या ले जाना है, घड़ी वगैरह, ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूर्ण वर्जित है, ठीक है, मतलब ये तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ आपको ले जाना है। तो आप ज़्यादा है तो सूचना वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर फिर भी डाउनलोड करते नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9770234998 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और चूँकि ये भी डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ नीचे आपको जो है ये यहाँ पर जो दिया रहेगा ना यही पेपर आपको देना होगा। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके रिजल्ट की भी अपडेट आपको पता होनी चाहिए, चूँकि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट वगैरह, तो वही जानकारी भी हम आगे देते रहेंगे रिजल्ट के बाद भी, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, आपका ही फायदा होने वाला है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आप आसानी से अपना जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं या तो MP ऑनलाइन सेंटर में भी जाकर आप जो है डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि रेगुलर सप्ली यहाँ पर स्टेटस भी दिखा रहा है, तो इस प्रकार ये एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय, थैंक यू सो मच।